सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों को रमज़ान की पेश की मुबारकबाद। और रमज़ान की जैसे आमद आमद है और सब लोग जो है वो रमज़ान की तैयारियों में मुख्तलिफ चीज़ों की प्रिपरेशन में बिजी हैं, तो हम लोगों ने भी आज टाइम निकाला है कि रमज़ान की ग्रोसरी क्यों ना कर ली जाए, क्योंकि सिर्फ 10 डेज रह गए हैं रमज़ान के आने में। तो आज हम लोग जो है रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं अल फतेह पैरागोन में, जो है वो घर के हमारे बिल्कुल करीब है, 10 to 15 minutes का डिस्टेंस है। तो मैं आज आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ और फिर देखते हैं कि वो कैसा है, और आपको सारा मैं टूर दूंगी अल फतेह का, और हमने क्या क्या ख़रीदा है वो भी सब कुछ आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो हम लोग पैरागोन के सेकंड गेट से एंटर हो चुके हैं और बिल्कुल सामने हमारे अल फतेह हैं। बिल्कुल ये हार्डली हमें जो है 10 से 12 मिनट्स लगे हैं यहाँ पर आने के लिए। अब हमें सिर्फ जो है वो यू टर्न लेना है और हम बिल्कुल अल फतेह मॉल के सामने होंगे। और ये जो साइट्स पे आप लोग देख रहे हैं ये इम्पीरियल मॉल है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और सेकंड कप कॉफ़ी भी है, तो आप लोग कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हैं। और आज का तो वेदर भी बहुत अच्छा है। और ये रहा अल फतेह मॉल, चले अंदर चलते हैं और अपनी रमज़ान की ग्रोसरी शॉपिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम स्टेयर से एंटर होते हैं अंदर की साइड पे, तो हमें ये सामने जो है ड्राई फ्रूट्स का एक स्टॉल नज़र आता है, और यहाँ पर हर किस्म की वैरायटी के ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सूरजमुखी के बीज भी हैं, कद्दू के बीज भी हैं, जो कि रेयरली मिलते हैं किसी भी यहाँ पर शॉप से, लेकिन अल फतेह की खासियत है कि आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके बाद हमने सबसे पहले जो चीज़ पकड़ी थी, जो कि रमज़ान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो है रोल और समोसे की पट्टी। इफ्तार की बात हो और हम रोल और समोसे ना बनाएं, ऐसा तो नामुमकिन है। तो इसलिए हमने ये जो है रोल की और समोसे की पट्टी ले ली है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अंदर कैसे फिलिंग करूँगी और कैसे घर पे आप लोग जो हैं वो रोल और समोसे बना सकते हैं, वो सब कुछ जो है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊँगी। और इसी पर्पज़ के लिए हमने जो है ये चूज़ की हैं रोल और समोसे की पट्टियाँ। तो यहाँ पर जो है दो डिफरेंट ब्रांड्स की रोल और समोसे की पट्टी थी, सो वी आर डिसाइडिंग कि हमें कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बेटर है। तो उसी इस्ना में हमें जो है ये बड़े वाले समोसे की पट्टियाँ भी जो है वो नज़र आईं, पर हमने ये नहीं ली क्योंकि हम लोग ने कभी ये चीज़ ट्राई नहीं की, और हम प्रेफर करते हैं कि छोटे रोल और जो है वो एवरेज साइज़ के जो है समोसे होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इफ्तार के टाइम आपके पास इतनी वैरायटी होती है तो आप इजीली हर चीज़ जो है वो खा सकते हैं। तो हमने जो है ये रेड पैकेजिंग वाली रोल और समोसे की पट्टियाँ ले ली। उसके बाद इसकी फिलिंग के लिए हमें चाहिए थी मैक्रोनी, और वही हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा जो परफेक्ट साइज़ है वो लेना चाहिए। उसके बाद हमने जो है वो लिए हैं नूडल्स, चिकन नूडल्स। आप लोग चाहे तो इफ्तार में भी खा सकते हैं, चाहे तो सहरी में भी खा सकते हैं। अगर आपको खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा तो आप लोग जो है वो उसको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो है नूडल्स की काफ़ी रेंज और वैरायटी थी, और एक ये मुझे नज़र आए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे और ये मैंने टेस्ट भी किए हुए हैं। इट्स इज़ रियली गुड, बट दिस वन इज़ क्वाइट न्यू फॉर मी, योपोकी स्पाइसी टोपोकी राइस केक कप, और ये 525 रुपीज़ के थे। और आजकल आपको पता है कि सब लोग जो हैं वो स्पाइसी नूडल्स के चैलेंजेस कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो अल फतेह पर चले जाएं, आपको बिल्कुल वहां से ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। रोज़ा खजूर के साथ इफ्तार करना भी जो है एक सुन्नत है, तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है वो खजूरों के सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर मदीने की जो है बहुत ही वीआईपी खजूर, जिसे कह सकते हैं, मौजूद है, जिसमें अंबर खजूर भी है, अजवा भी है, मज़ाफाती भी है। अंबर का साइज़ सबसे बड़ा होता है, अजवा जो कि वैसे ही फेमस है इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स की वजह से, और उसके साथ साथ मज़ाफाती जो है वो सबसे सॉफ्ट वाली खजूर है, और ये 400 ग्राम है, 1895 रुपीज़ की खजूर। आई नो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये मदीने की स्पेशलिटी है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ को लीजिएगा और इसके टेस्ट को भी जो है एक्सपीरियंस कीजिएगा।
और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम रोल और समोसों की फिलिंग के लिए भी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ओरिगैनो, और ये काफ़ी दिनों से हमारे घर में ख़त्म हुआ हुआ था, तो हमें सबसे पहले स्पाइसेस में जो है वो पिक ही ओरिगैनो करना था। और ये 200 रुपीज़ की एक छोटी सी पैकिंग है, और इसमें आपका पूरा रमज़ान जो है वो ईज़ीली गुजर सकता है। उसके बाद आप जो है रमज़ान में मुख्तलिफ़ मज़ेदार खाने बनाना चाहते हैं तो नेशनल का अचार गोश्त, बिरयानी मसाला ले लें, और चाट मसाला तो ज़रूर लें क्योंकि ये हर चीज़ में हम इसको ऐड करते हैं, तो हमने इसकी बड़ी वाली पैकिंग ले लीजिए। यहाँ पर राइस की जो है वो मुख्तलिफ़ इकसाम थी, अरोमा राइस है फार्म फील्ड्स की, यहाँ पर ना अलफतेह में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और इसकी प्राइस जो है वो 870 रुपीज़ है 2 kg की, और इसकी पैकिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट हुई हुई है, और बोरी जैसे बनी होती है ना बिल्कुल वैसे ही है। तो अब मैंने फार्म फील्ड्स के कभी राइस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए मुझे आइडिया नहीं कि कैसे होंगे। उसके बाद हम बारी आती है जी डिप्स ख़रीदने की, जिसमें सबसे पहले हमें मायनेज़ ख़रीदनी है, प्लेन वाली ख़रीदनी है क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें जब आप लोग बनाते हैं तो उसमें प्लेन ही यूज़ होती है, आप चाहें तो चिकन स्प्रेड भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने जो है उसमें कैचअप ली है, चिली गार्लिक सॉस ली है, और एक और बात बताऊँगी आपको कि अलफतेह में जो है वो 10 रुपीज़ का मतलब रेट में डिफरेंस है, यानी कि कम है मार्केट प्राइस से, तो अगर आप 10 रुपीज़ सेव करना चाहते हैं और अलफतेह के बिल्कुल करीब हैं तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आएँ। स्पेशली मिल्क में 10 रुपीज़ का डिफरेंस है, और इस तरह कैचअप वगैरह में भी, और ऑयल वाले सेक्शन। हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हमसे ज़्यादा मामू को पता होती हैं, क्योंकि मामू जो हैं इज़ लाइक के इज़ अ प्रो इन ग्रोसरी शॉपिंग, तो वही सारी जो है लिस्ट हम उनसे डिस्कस कर रहे थे। मैं तो वीडियो बना रही थी बट ही इज़ टेकिंग द स्टफ़। और यहाँ पर पेरी पेरी सॉसेस और मुख्तलिफ जो है सॉसेस, और ये रघु सॉस थी जो कि इंडिया में आपने देखी होगी काफ़ी फेमस है। उसके बाद हम यहाँ से सारी सॉसेस कलेक्ट करने के बाद जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में चले गए, जिसमें हमने सेविंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ये 3-3 packs की सॉप की सेविंग है, तो हमने जो है वो आई थिंक 4-5 packs ले लिए थे क्योंकि इसमें 15-15 rupees की सेविंग है। तो मैं भी रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ले लें, लक्स भी ले लें, पामोलिव भी ले लें, लाइफ बॉय भी ले लें, और जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सेविंग थी तो हमने ये 4-5 packs जो है इसके सॉप के ले लिए थे। उसके बाद किचन के लिए हमने स्कॉच ब्राइट लिया, और ये भी 2 pack था तो इसमें भी कुछ ना कुछ सेविंग तो होगी, और स्कॉच ब्राइट आपको पता है कि आजकल बहुत ज़रूरी है, रमज़ान में इफ्तार के बाद आपको बर्तन धोने हैं ढेरों ढेर, तो डिश वॉशर चाहिए आपको, और जो है स्पायरल वाली नेट चाहिए, और स्कॉच ब्राइट चाहिए, तो वो हमने सबसे पहले ले लिया। यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स की भी काफ़ी ज़्यादा रेंज है, और हर किस्म का आपको बटर मिलेगा, लोकल भी मिलेगा और आपको इम्पोर्टेड भी मिलेगा,
चीज़ भी है यहाँ पर। तो हम लोगों ने कोई डेयरी प्रोडक्ट एस सच नहीं ली, क्योंकि हमारे घर के पास ही जो है वो स्टोर है, तो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल फ्रेश ही वहाँ से ले लें। उसके बाद हमें प्योर इमली की सॉस तो नहीं मिली, इमली और जिंजर की कॉम्बिनेशन की सॉस मिली, ये भी बहुत अच्छी होती है, हमने पहले भी ट्राई की हुई है। उसके बाद बात करते हैं जी कुकिंग ऑयल की, तो वो हम डालडा वाला यूज़ करते हैं। तो पूरा एक कॉटन हमने ले लिया, उसमें एक कॉटन में 5 कुकिंग ऑयल्स होते हैं और एक की प्राइस है 685 रुपीज़। तो आई थिंक ये लोकल मार्केट की प्राइस से 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ जो हैं वो कम हैं। तो अगर आप 4 to 5 कार्टन्स भी लेना चाहते हैं या एक सिंगल पैकिंग भी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए जो है वो काफ़ी अच्छी ऑफ़र है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मामू ने अपना शैम्पू यानी कि लाइफ बॉय लिया, और उसके बाद मैंने अपना शैम्पू जो कि लॉरियल का है लॉन्ग हेयर ग्रोथ वाला, वो लिया और साथ में उसका कंडीशनर लिया। यहाँ पर आकर मुझे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला शैम्पू के बारे में, कि उन्होंने इम्पोर्टेड और लोकल दोनों शैम्पू जो है वो सेपरेटेड करके रखे हुए थे, कंपनी से दोनों की सेम थी, बट प्राइस में, वेट में और इंग्रेडिएंट्स में दोनों और के जो थे वो डिफरेंस था। आपको ड्रॉर्स के ऑर्गेनाइजर्स भी मिलेंगे स्टैकिंग करने के लिए, जो आपके बिल्कुल सामने नज़र आ रही होंगी, आपको ब्राउन कलर की और ग्रे कलर की ट्रेज, तो आप अपने ड्रॉर्स में इनको रख सकते हैं चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके प्राइस थे 1500 रुपीज़, बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर मी, क्योंकि इनको लेस प्राइस का होना चाहिए था। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट फ्लोर पे चले गए, और नेक्स्ट फ्लोर पे जो है आपको ज़बरदस्त किस्म के लग्जरी ग्लासेस मिलेंगे, जो कि गेस के हैं, डैनियल के हैं और मेंस के वॉलेट हैं। तो मैंने कहा मामा को कि आप भी जो हैं वो ज़रूर ट्राई करें। वो सामने मिरर है, दिखाए। हाँ ये साइज थोड़ा छोटा। सो ग्लासेस की जो प्राइस है वो 5000 से स्टार्ट होकर 14000 तक थी, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन ये 100% ओरिजिनल डैनियल क्लीन की हैं और गेस की हैं। बस हमें प्रॉब्लम ये आई कि मेंस में जो है जो शेप मामू पे सूट की थी वो ऑलरेडी थी, और दूसरी कोई शेप सूट नहीं की। और उसके बाद फिर हमने जो है वो वॉलेट देखे, एक ये हमें थर्ड फोर्थ वाला और एक फर्स्ट वाला वॉलेट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। दोनों ही जो हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, और इनके प्राइस हैं 950 रुपीज़, क्योंकि मामू जो हैं वो लॉन्ग वॉलेट यूज़ करते हैं, तो ये भी बहुत ही रेयर शॉप से मिलते हैं। तो आप लोगों को भी अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग भी जो हैं अलफ़तेह जा सकते हैं। तो हमने जो है ये फ़र्स्ट वन ही चूज़ कर लिया था और यही ले लिया था, दूसरा भी काफ़ी अच्छा था, सो इफ़ यू वांट मोर देन यू कैन हैव इट। और उसके बाद हमने जो है वो किचन्स देखी, जिसमें हमारी गाड़ी की नहीं थी, और मामू जो है वॉलेट का बिल ले रहे थे, और मैं यहाँ पर जो फीमेल्स की वॉच थी कैसियो की, डैनियल क्लीन की, वो देख रही थी और ऑब्सेस्ड हो रही थी इन वॉचेस से, क्योंकि दीज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल येट सो ग्रेसफुल। जस्ट लुक एट दिस वन इज़ सो ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट टू टेक इट ऑल, स्पेशली दिस वन विद अ ब्लैक डायल। और उसके बाद हम लोग जो है वो क्रॉकरी वाले सेक्शन में गए, जो कि थर्ड फ्लोर पे है। इसका व्लॉग जो है मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर कवर की हैं एंड दे आर सो ब्यूटीफुल एंड सो प्राइसी। तो हमें कुछ बेडशीट्स भी लेनी थी, इसीलिए हम इस सेक्शन में आए थे, क्योंकि इस सेक्शन के जो नेक्स्ट पोर्शन था वहाँ पर बेडिंग का सारा स्टफ था। तो मामी चाह रही थी कि रमज़ान के लिए और ईद के लिए कुछ न्यू बेडशीट्स भी जो हैं वो अभी से ही ले ली जाएँ, तो वही देख रहे हैं यहाँ पर। बेडशीट्स की ज़्यादा इतनी वैरायटी तो नहीं है, पर कुछ तो वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि एक ये वाली जो है वो बेडशीट पसंद आई थी, ये कॉटन की बेडशीट है, और इसके अलावा एक ये वाली भी पसंद आई थी, बट इसकी जो बेस थी ना वो काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर की थी, तो ये हमने फिर अवॉइड कर दी। तो अभी हम जो है वो बेडशीट्स जो हैं देख रहे हैं कि हमें कौन सी लेनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास सबा एक ब्रांड है और दूसरा जो है वो खाड़ी की बेडशीट्स थी, तो दोनों वो ब्रांड्स जो थे वो अच्छे थे, और इसके अलावा प्लेन बेडशीट्स भी वहाँ पर मौजूद थी, और प्लेन बेडशीट्स आपको पता है कि आजकल बहुत इन है। तो हमने कहा कि ये ओपन करके दिखा दें बेडशीट, तो उसने करके दिखाई एंड देन वी हैव टू टेक इट, क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी। जो सेकेंड वन की जो ओपन करने जा रहे हैं बेडशीट, ये एक्चुअली
पसंद तो आई थी, लेकिन इनके पिलो के कवर्स देखकर इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे मामी को भी और मामू को भी और इवन मी। सो फिर हमने दूसरी बेडशीट भी जो है खुलवा के देखी, क्योंकि हम लोग देसी लोग हैं और जब तक हम खोल के तसली ना करें हमें चीज़ लेने का मज़ा नहीं आता। तो सेकेंड के पिलो केसेस जो थे वो काफ़ी अच्छे थे और हमें ये पसंद भी आ गई। और इसकी प्राइस थी 2,190 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये कम 2,200 में से। तो ये दोनों बेडशीट्स हमने ले ली थी। उसके बाद हमने जो है वो एक टॉवल भी ले लिया गेस्ट्स के लिए, ताकि जो है वो न्यू टॉवल घर में होना चाहिए, और ये 1700 समथिंग का था। उसके बाद फिर जो है हम लोग नीचे आ गए बिल करवाने के लिए। हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि जा रहे हैं, और बिल करवाते वक्त यहाँ पर ऑलमोस्ट केओस मचा हुआ था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो उसी वक्त मामू ने कहा कि रेड बुल जो मैंने कहा था वो लेकर नहीं आए, तो मैं फिर तेज़ी से गई और रेड बुल लेकर आई। और मैं फ़र्स्ट टाइम ये रेड बुल जो है वो आज पीने वाली थी, बिकॉज़ आई हैव नेवर ट्राइड दिस एनर्जी ड्रिंक। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी टेस्ट लाइक, लेकिन आज जो है मामू के कहने पर मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। तो जल्दी से फिर मैं जो है वो रेड बुल लेकर आई और अपने काउंटर पर बिलिंग सेक्शन पर मैंने रख दिया। तो जी रेड बुल को टेस्ट करने का टाइम आ गया था एंड इट इज़ रियली गुड। और इसका स्पार्कलिंग सा इफ़ेक्ट आता है जब आप इसको पीते हैं, और फ्लेवर जो है वो इसका बबल जैसा है। तो आप लोगों को भी ट्राई करनी चाहिए, वंस इन अ लाइफ टाइम तो ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग वापसी पे जो है DHA फेज़ 8 का चक्कर लगाते हुए, उसको देखते हुए स्कीम को जो है वह वापस आए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।